सफ़र से मैंने ये सीखा कि जो दीन है वो एक समुंदर की तरह है। इसमें जितना आप गोताजनी करते जाएंगे आपके सामने मंजिलें खुलती जाएंगी। सफ़वा कोर्स में मैंने जो डिफरेंस फील किया वो ये था कि इस कोर्स के अंदर चीज़ों को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में, जो कि एक बहुत बड़ा इल्म है, उसको समुंदर को कूजे में बंद करने की कोशिश की गई। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद हंजला है। मैं MBBS का स्टूडेंट हूँ और सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर में। एक्चुअली मैं चाहता था कि मैं अल्लाह के दीन को थोड़ा डीप जाके स्टडी करूं और उसके पढ़ने के दौरान मेरी जो वर्ल्डली प्रोफेशन है वो भी डिस्टर्ब ना हो। इसीलिए मैंने सफ़वा को ज्वाइन किया और मुझे इससे बेटर ऑप्शन नज़र नहीं आया कोई। सफ़वा से मैंने ये सीखा कि जो दीन है वो एक समुंदर की तरह है। इसमें जितना आप गोताजनी करते जाएंगे आपके सामने मंजिलें खुलती जाएंगी। सफ़वा कोर्स में मैंने जो डिफरेंस फील किया वो ये था कि इस कोर्स के अंदर चीज़ों को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में, जो कि एक बहुत बड़ा इल्म है, उसको समुंदर को कूजे में बंद करने की कोशिश की गई है। जी माशाल्लाह, हर टीचर अपने उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा रहा था और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से उन्होंने मैसेज को डिलीवर किया। सफ़वा का फेवरेट सब्जेक्ट मेरा इस्लामिक फ्रेमवर्क, जो कि शेख हातिफ ने पढ़ाया, वो मुझे बहुत पसंद आया। इट ब्रिंग्स मोर क्लैरिटी टू मी एज एन इंडिविजुअल एज वेल एज अ कम्युनिटी। सफ़वा को मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि एक ऐसा ऐसा कोर्स ऐसा एक एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जिसमें आपको आप अपनी नॉर्मल डेली रूटीन को मेंटेन रखते हुए आप अपने इस इल्म दीन के अंदर प्रसू कर सकते हैं। दैट्स इट।